अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैंने मैंगो कस्टर्ड बना लिए है 1 लीटर मिल्क में, और इसमें मैंने पूरा 1 पैकेट क्रीम का ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें कॉकटेल का पानी ऐड करने लगी हूँ। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से कस्टर्ड को मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने सिंपल वाला केक ले लिया है। अब हमने सबसे पहले शीशे के बाउल में नीचे कस्टर्ड को सेपरेट कर लेना है थोड़ा सा। सबसे पहले बाउल में हमने नीचे थोड़ा से कस्टर्ड को इस तरह से फैला देना है। अब फिर मैं इसके ऊपर ये केक ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने केक को सेपरेट कर लिया है जी। केक सेपरेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर बाकी का तमाम कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। ये थोड़ा सा अपने कॉकटेल भी इसके ऊपर इस तरह से हमने थोड़ा सा सेपरेट कर लेना है। अब इस पर भी मैं केक पे भी थोड़ा सा कॉकटेल का पानी ऐड कर दूंगी इस तरह से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रूट ऐड करते हैं। अब मैंने सेब है और जी बनाना इसको कट कर लिया। मैं ये तमाम भी इसके ऊपर सेपरेट कर लेते हैं। इसको अच्छे से ये फैला दें केक के ऊपर। अब ये बाकी का तमाम कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड, मैं इसके ऊपर सारा इस तरह से फैला के इसको कवर कर दूंगी, फ्रूट को और केक को। ज़बरदस्त सी जी हमारे स्वीट डिश बिल्कुल रेडी है। मैंने केक को डेकोरेट किया इसके अंदर और कस्टर्ड भी ऐड किया है, उसमें मैंने क्रीम भी ऐड की थी। कॉकटेल को मैंने ऊपर भी डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा कस्टर्ड का जो डिज़र्ट है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे रमज़ान में ज़रूर बनाएं और इसको इफ्तार में सब बहुत ही शौक से खाते हैं। ये मिनटों में साफ़ होने वाली डिश है जो बच्चे बड़े सब भी बहुत ही शौक से खाते हैं। आपने मस्ट ट्राई करना है और इस तरह से आपने केक वाला रेडी करना है।